इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए खुशखबरी है, उनके लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए नई पदों पर भर्तियां निकाली है। बता दें कि इस भर्ती में अविवाहित महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। वे कैंडिडेट्स जो एसएससी टेक्निकल एंट्री के तहत भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक खोल दिया गया है। आवेदन कल यानी 16 जुलाई से शुरू हुए हैं और अप्लाई करने की तारीख 14 अगस्त 2024 है। बता दें कि यह भर्तियां एसएससी टेक 64वें पुरुष और एसएससी टेक 35वीं महिला एंट्री स्कीम के तहत निकाली है। इसके माध्यम से कुल 381 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी। वे कैंडिडेट्स जो इन पदों पर आवेदन करने की जरूरी योग्यता और इच्छा रखते हैं, वे इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस आवेदन को करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। यहां से आप न केवल आवेदन कर सकते हैं बल्कि इन भर्तियों को के बारे में डिटेल में जानकारी भी पा सकते हैं। यहां निकाली हुई कुल 381 भर्तियों में से 350 पुरुष उम्मीदवारों के लिए है और 29 महिला उम्मीदवारों के लिए। ये भी जान लें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस पर्सोनेल की वीडियो पर इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकती हैं। चुने गए कैंडिडेट्स के लिए कोर्स अप्रैल 2025 में प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एकेडमी में शुरू होगा। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो या फाइनल ईयर में हो। एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए पात्रता किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो। ये डिफेंस पर्सोनेल की वीडियो के लिए है। एज लिमिट की बात करें तो ये 20 से 27 साल तय की गई है। वहीं कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये 35 साल तक है। डिटेल नोटिस में देख सकते हैं। इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कई चरण की परीक्षा पास करने के बाद होगा। सबसे पहले आवेदनों के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू आयोजित होगा जिसका डिटेल आप वेबसाइट पर पा सकते हैं और अपने लिए इंटरव्यू स्टॉल बुक कर सकते हैं। अगला चरण में इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी जो 5 दिन तक चलेगी। इसमें 2 स्टेज होंगे और पहले स्टेज पास करने वाले कैंडिडेट ही दूसरे स्टेज में जाएगा और इस दौरान साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज, इंडिविजुअल इंटरव्यू आदि होंगे। इस चरण को पास करने वाले कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट देना होगा। सभी चरण पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अंतिम होगा। बता दें कि इस भर्ती में सैलरी पद के मुताबिक है और अलग अलग है। जैसे लेफ्टिनेंट पद के लिए 56,000 से 1,77,000 रुपए महीने तक सैलरी दी जाएगी। कैप्टन पद के लिए 61,000 से 1,93,000 तक सैलरी मिलेगी। ऐसे ही बाकी पदों की सैलरी 1.5 लाख से 2.25 लाख महीने तक है। कुछ पदों की सैलरी फिक्स है और 2.5 लाख रुपया महीना है।